आप देखिए कि ये कितना खस्ता बना है। अब हम इसे अब हम इसे तोड़ के भी देख लेते हैं। आप देखिए ये कितना खस्ता और कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने से ही। बिना मावा के ही हमने इसे बनाया है और इसकी आपको फीलिंग से पता चल ही रहा है कि ये कितना स्वादिष्ट होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट खस्ता गुजिया, वो भी बिना मावा के। बड़े अजीब से आजकल इस दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। हम बनाने वाले हैं सबके फेवरेट और सभी त्योहारों और फंक्शंस में बनने वाले गुजिया, वो भी बिना मावा के। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं बेहद स्वादिष्ट गुजिया। इस बेहद खस्ता और स्वादिष्ट गुजिया को बनाने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे आटा। और आटा लगाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है 1 कटोरी, जहाँ पे मैंने लिया है मैदा, और 1/4 कटोरी मैंने लिया है घी। आपने घी की कंसिस्टेंसी इस टाइप की ही रखनी है, ना तो ये हमें एकदम से मेल्ट चाहिए और ना ही जमा हुआ चाहिए, और हमें चाहिए पानी आटे को लगाने के लिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब हम परात में डालेंगे मैदा, इसमें हम डालेंगे घी। घी हमें ज्यादा ही लेना है, जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि मैंने 1/4 कटोरी ली है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमें घी को अच्छे से पहले मैदे में मलना है आपने दोनों हाथों से। तो हमने घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। डालेंगे इसमें पानी, आपने पानी धीरे धीरे करके ही ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड कर देना है। हमें बिल्कुल टाइट आटा लगाना है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, तो इसलिए हम पानी धीरे धीरे करके ही ऐड करेंगे। तो बस इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अब हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मलेंगे। आपने देखा है कि मेरे को इतना आटा लगाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की जरूरत पड़ी है। तो 5-7 मिनट अच्छे से मलने के बाद डो हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। आप देखिए कि ये कहीं से भी इवन नहीं लग रहा है। तो हमें इस टाइप का ही डो चाहिए, इसका इतना ही टाइट चाहिए। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट पे है, हम कर लेते हैं गुजिया की फिलिंग की तैयारी। हम बना रहे हैं बिना मावा के ही गुजिया। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है 1/2 कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट पाउडर, 2 चम्मच चाहिए हमें देसी घी, 1/2 कटोरी सूजी और 3/4 कटोरी चाहिए पाउडर शुगर। कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने यहाँ पे, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और ड्राई चेरी और थोड़ी सी सौंफ। हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसे कर लेंगे गरम और उसमें डालेंगे घी। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे होल ड्राई फ्रूट्स ही डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हम इसे क्रश कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही हम इसे रोस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए ही। तो बस अब आप देखिए कि जो हमारी किशमिश थी वो अच्छे से फूल गई है, हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी घी में ही डाल देंगे सौंफ, इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम डाल देंगे इसमें कोकोनट पाउडर, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। आप देखिए कि कोकोनट भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है।
अब हम इसे भी निकाल लेंगे। हम इसी पैन में ही डाल देंगे सूजी और इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सूजी भी आप देखिए कि हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ, उसको कर लेंगे क्रश नाइफ के साथ ही। हमें इसे बहुत ज्यादा ब्रीक नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही हम इसे स्लाइस करेंगे। अब हम कोई भी एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें डाल देंगे सूजी जो हमने अच्छे से रोस्ट की है। इसी में ही हम डालेंगे पाउडर शुगर, रोस्टेड कोकोनट पाउडर और क्रश किए हुए और रोस्टेड किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारी बिना मावा के ही बहुत ही स्वादिष्ट स्टफिंग हो गई है रेडी। डो को भी रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए कि डो जो है वो कितना सॉफ्ट हो गया है, आप देखिए इसे। अब हम इसे थोड़ा सा और मल लेंगे, 4-5 मिनट और अच्छे से मलने के बाद डो अब हमारा रेडी है। अब हम इसे ऐसे एक सिलेंडर की शेप में ले आएंगे। तो हमने इसे एक सिलेंडर की शेप दे दी है। अब हम इसे इक्वल पोर्शन में कट कर लेंगे। अपना एक पोर्शन उठाएंगे जो हमने कट किया है और उसकी बना लेंगे लोई और उसे हम बेल लेंगे। बिना सूखा मैदा डस्ट किए हुए ही हम उसे बेलेंगे और हमें इसे थिन ही रोल करना है जब तक कि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा नजर ना आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब हम इसकी सभी साइड्स पे पानी लगाएंगे। ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सील करने का काम करेगा। अब हम इसमें फिल करेंगे स्टफिंग और ये हमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करनी है क्योंकि नहीं तो गुजिया के फटने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप एक स्पून के करीब ही इसे फिल करिए। अब हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर अच्छे से और इसे प्रेस करते हुए अच्छे से सील कर लेंगे ऐसे। और अब हम इसे अपनी इंडेक्स फिंगर की हेल्प से ही ऐसे फोल्ड करेंगे, एक डिजाइन साइज में आ जाएगा ऐसे। ये तरीका है गुजिया को बनाने का। आप देखिए कि किनारों पे कितना सुंदर डिजाइन आ रहा है गुजिया के। तो ऐसे ही हम सभी गुजिया के फिलिंग कर लेते हैं। तो हमने सभी गुजिया की फिलिंग कर ली है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और फिर हम इसे फ्राई करते हैं। अब हम कर लेते हैं गुजिया को फ्राई। उसके लिए ऑयल को कर दिया है मैंने गरम। आपने जब गुजिया डालने हैं बीच में तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हमें इसका टेम्परेचर 120 के करीब ही रखना है। तो इसलिए आप जब भी गुजिया डालें तो आप फ्लेम को लो पे ही रखें। अब हम एक एक करके अपने सारे गुजिया इसमें डाल देंगे और गुजिया आपने एक बार ज़्यादा ही डालने हैं क्यों, ताकि जो टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और जब भी आप गुजिया डालें तो आपको एकदम से इसे नहीं हिलाना है। तो इसे पकने में तकरीबन 10 मिनट अराउंड से लग जाएंगे, तो इसलिए आपने इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आप देखिए दोस्तों कि हमारे गुजिया कितने सुंदर बन रहे हैं, इनका कलर कितना सुंदर आ रहा है और ये अभी कढ़ाई में है तो भी पता चल रहा है कि ये कितने खस्ता बने हैं।
अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, सभी साइड से इवनली कुक हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों हमारे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बिना मावे के खस्ता गुजिया बनकर हो गए हैं रेडी। मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ ये कितना खस्ता बना है, आप देखिए। अब हम इसे तोड़ के भी देख लेते हैं, आप देखिए खस्ता और कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने से ही। तो हमारे ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खस्ता और अंदर से एकदम मजेदार गुजिया बनकर हो गए हैं रेडी। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। इस स्वादिष्ट गुजिया को बनाने के लिए आपको मावा के होने या ना होने की कोई टेंशन नहीं है, आप इसे बिना मावा के भी बहुत ही ज्यादा मजेदार बना सकते हो। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।